16,188 में राधा का नाम नहीं है और राधा के पति में कृष्ण का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम क्या है? क्या नाम है राधा जी के पति का? टिप्पणी करने वाले का, राधा रानी के बारे में अनर्गल बयान देने वाले का के विषय में बोलने के लिए बहुत होश से बोलना। जहाँ श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहाँ राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है। अनय घोष, क्या नाम है राधा के पति का? अनय घोष। राधा जी की सास का नाम था जटिला, ननन का नाम था कुटिला। राधा जी का विवाह हुआ था ग्राम छाता। कहाँ की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो, है बरसाना। पक्के में? बरसाने की राधा नहीं थी, राधा जी थी रावल गांव की। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी, इसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना। श्री जी वाणी से मुख हो जाती, कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी, और यहाँ क्या ममाभिलाषा, जो प्रगट हुई वो सदा प्रगट हैं। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र हैं, उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे, और जितने प्रेमी जन है उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय? रानी पर अनर्गल टिप्पणी करने वाले प्रदीप मिश्रा का सभी ब्रजवासियों ने पुतला फूंका है। प्रदीप मिश्रा ने राधे रानी के बारे में ऐसी ऐसी जानकारी दी है जो बहुत ही निंदनीय है। जो राधे रानी के नाम से खा रहा है और राधे रानी के बारे में ऐसा कह रहा है, तो हमने माननीय केंद्र सरकार से मांग की है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, इसकी संपत्ति की जाँच करें। ये लोग महिलाओं को टोट का पता बता के ठगते हैं और टोट का बता के हजारों करोड़ की संपत्ति अर्जित कर रखी है। ऐसे आदमी के खिलाफ जाँच होनी चाहिए। उसने माफी मांग ली है, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। ऐसे तो कोई भी व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के जो आराध्य हैं उनके बारे में टिप्पणी करेंगे और उसके बाद माफी मांग लेंगे, तो हम माफी सहन नहीं करेंगे। उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।